हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, QS वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लंदन। तो अभी हाल में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग जारी की गई है, और इस रैंकिंग में लंदन को पहला स्थान मिला है, यानी कि लंदन छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। और इसमें दूसरे स्थान पर है जापान का टोक्यो, और इसमें तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। और अगर बात करें इसमें भारत के शहरों की, तो इसमें भारत का बेंगलुरु 81वें स्थान पर है, यानी कि छात्रों के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर है बेंगलुरु। और इसमें मुंबई 85वें स्थान पर है, और इसमें नई दिल्ली 113वें स्थान पर है। तो इसमें लंदन पहले स्थान पर है। लंदन ये कहाँ की राजधानी है? तो लंदन ये यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। और यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, मैंने आपको बताया था। तो यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। अगला प्रश्न, 52वीं आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ हुई? तो 52वीं आसियान विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है बैंकॉक में। बैंकॉक ये थाईलैंड की राजधानी है। तो अभी हाल ही में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 52वीं आसियान विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है, और इसमें भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया। भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये मीटिंग बैंकॉक में हुई। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की करेंसी क्या है? तो थाईलैंड की करेंसी है बहत। और वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओचा, प्रयुत चान ओचा। और थाईलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है थाईलैंड में। और अगर बात करें भारत में किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो भारत में केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। और यहाँ पर बात हुई है आसियान की, तो आसियान इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, और भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव कौन है? तो आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं लिम जोंग हुई, लिम जोंग हुई आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं। अगला प्रश्न, गुजरात गैस लिमिटेड अगले 2 वर्षों में देश भर में कितने CNG स्टेशन स्थापित करेगा? तो गुजरात गैस लिमिटेड अगले 2 वर्षों में देश भर में 200 CNG स्टेशन स्थापित करेगा। CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो गुजरात गैस लिमिटेड अगले 2 वर्षों में देश भर में 200 CNG स्टेशन स्थापित करेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको गुजरात के बारे में बता देता हूँ। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को, और महाराष्ट्र की स्थापना भी 1 मई 1960 को हुई थी। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ये अभी हाल ही में गुजरात के नए राज्यपाल बने हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया और भवई। गुजरात के प्रमुख बांध हैं गुजरात में सरदार सरोवर बांध और सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में उकाई बांध और उकाई बांध, ये तापी नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में दांतीवाड़ा बांध और दांतीवाड़ा बांध, ये बनास नदी पर बना हुआ है। गुजरात का प्रमुख एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य हैं गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क और गिर राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं।
और गुजरात में है ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। गुजरात के प्रमुख स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। गुजरात के प्रमुख मंदिर हैं सोमनाथ मंदिर, गिरनार मंदिर और अक्षरधाम मंदिर। तो अगला प्रश्न, एलिस पेरी T20 में 1000 रन और 100 विकेट प्राप्त करने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं, वे किस देश की हैं? तो एलिस पेरी ये हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये हैं ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी। तो एलिस पेरी T20 में 1000 रन और 100 विकेट प्राप्त करने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं और अभी तक ऐसा किसी पुरुष क्रिकेटर ने भी नहीं किया है। तो ये पहली क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 में 1000 रन और 100 विकेट प्राप्त किए हैं और एलिस पेरी ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न, ईस्ट बंगाल क्लब द्वारा किसे भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कपिल देव को। तो अभी हाल में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को ईस्ट बंगाल क्लब द्वारा भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है और कपिल देव इनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था। कब जीता था? 1983 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की गाम्बिया यात्रा के दौरान भारत ने गाम्बिया को कितने डॉलर की सहायता देने का वादा किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है $500,000 की सहायता देने का वादा किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की गाम्बिया यात्रा के दौरान भारत ने गाम्बिया को कौशल विकास और कुटीर उद्योग परियोजनाओं के लिए $500,000 की सहायता देने का वादा किया है। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन दिनों 3 पश्चिम अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। कौन कौन से? बेनिन, गाम्बिया और गिनी। तो पहले ये बेनिन गए हुए थे और बेनिन में इन्होंने बेनिन को $100 मिलियन यानी कि $10 करोड़ का कर्ज देने का वादा किया था और अब गाम्बिया को $500,000 की सहायता देने का वादा किया है। और यहाँ पर बात हुई है गाम्बिया की, तो गाम्बिया की राजधानी क्या है? गाम्बिया की राजधानी है बंजुल। बंजुल गाम्बिया की राजधानी है और गाम्बिया की करेंसी है दालासी। दालासी गाम्बिया की करेंसी है और गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं अडामा बैरो। अडामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित उद्यमी पुरस्कार 2019 यानी कि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है रूहान राजपूत को। व्यापार उद्योग में इनके योगदान और उपलब्धियों के लिए इन्हें प्रतिष्ठित उद्यमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। रूहान राजपूत ये इनफोल्ग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं। इनफोल्ग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के ये संस्थापक हैं, तो इनको प्रतिष्ठित उद्यमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो अगला प्रश्न, विंग्स स्काई डाइव जंप पूरा करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी तरुण चौधरी। ये हैं तरुण चौधरी। तो विंग्स स्काई डाइव जंप पूरा करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट बन गए हैं तरुण चौधरी और इन्होंने M-17 हेलीकॉप्टर से 8500 फीट की ऊंचाई से ये जंप लगाई है। और यहाँ पर बात हुई है भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो BS धनोआ भारतीय वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई रसगोला को GI टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर था ओडिशा। और दूसरा प्रश्न था बिहार के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर था फागू चौहान। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है
हाल ही में किसे वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।